हेलो एवरीवन, दिस इज जय प्रकाश, योर प्रिंसिपल एचआर ट्रेनर एंड कैरियर कोच। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूँ, और मैं जो बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो पेरोल और सैलरी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है, इसको लेकर के बहुत कुछ खास बातें मैं आप लोगों के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आप बस एक ही चीज़ करें, जो कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस सब तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और हो सकता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस भी आप लोग फेस कर सकते हैं जो फ्रेशर्स हैं, और खास के वो अगर कहीं पेरोल पोजीशंस के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो आज का पॉइंट है, जो पेरोल और सैलरी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं जो पेरोल क्या है इसके बारे में। पेरोल एक पूरी की पूरी एक प्रोसेस है, यानी कि पेरोल एक ऐसा सिस्टम है जो एक कंपनी में एम्प्लॉय का टैक्स मैनेज करता है, उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको मैनेज करता है। एक पेरोल अगर सही से है तो लीव मैनेजमेंट पूरी प्रॉपरली हो पाती है। कल्पना कीजिए, अज्यूम कीजिए, कोई इम्प्लॉय अगर 20 डेज के लीव पे गया हुआ है तो उस इम्प्लॉय को कितना सैलरी मिलना चाहिए, ये पूरा प्रॉपरली पेरोल सिस्टम के जरिए कैलकुलेट हो जाता है। और इससे इम्प्लॉय भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, और कंपनी को भी कोई परेशानी नहीं होती, कंपनी भी इम्प्लॉय को रिटेन करता है, क्योंकि इम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है तो छोड़ता नहीं है। तो इस सब तरीके की चीज़ें पेरोल मैनेज करने से होती है। अब सेकेंड पॉइंट है, जो पेरोल और सैलरी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है, तो इसको लेकर के मैं बातें बता दूं। सैलरी प्रोसेसिंग बहुत ही छोटा पार्ट है, बहुत ही स्मॉल प्रोसेस प्रक्रिया है। इसमें हम केवल इम्प्लॉय का वेजेस या सैलरी कैलकुलेट करते हैं, और जो उसको पे करना है वो पे कर देते हैं। तो यानी किसी का सैलरी को कैलकुलेट करके पे कर देना, इसको हम सैलरी प्रोसेसिंग बोलते हैं। लेकिन पेरोल देखेंगे तो ये पूरी प्रोसेस है, एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक पूरा प्रक्रिया है, जिसके अंदर में हम टैक्स मैनेज करते हैं, डिडक्शंस को लेकर के हमारा कंसर्न रहता है, जैसे ESI है, PF है। तो अब ESI PF है तो उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशंस मुझे पे करनी है, किस टाइम में करनी है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। TDS कैलकुलेट करते हैं, फॉर्म 16 इश्यूज करते हैं, यानी कि पूरी आपकी कोशिश रहता है जो एम्प्लॉय को जितने भी लीगल इश्यूज हैं, कॉम्प्लायंस है, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई परेशानी ना उठाना पड़े। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अज्यूम कीजिए जो एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा है, और उस एम्प्लॉय का आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया। अब टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो इसका मतलब उस एम्प्लॉय को टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आनी है। अब नोटिस आ गई, अब नोटिस आ गया तो एम्प्लॉय भी डिससेटिस्फाइड है, परेशान है, और कंपनी के लिए भी जो है सो ये एक बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक स्थिति आ जाती है, कंपनी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता है। तो इस सब तरीके की सिचुएशन से बचा जा सकता है अगर पेरोल पूरी प्रॉपरली मैनेज हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेरोल का अहमियत एक HR प्रोफेशनल के लिए क्या है। तो आपने इससे पहले समझा सैलरी पेरोल प्रोसेसिंग में डिफरेंस, और आपने समझा पेरोल क्या है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक HR प्रोफेशनल्स को क्यों पेरोल की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि एक HR को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, HR के पास पूरी पेरोल से रिलेटेड सिस्टम अगर वो हैंडल करना चाहते हैं तो उनको टैक्स लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लेबर लॉ के बारे में उन्हें काफ़ी अच्छी समझ रखनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को लेकर के जितने भी कॉम्प्लायंस हैं उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें पूरी ऑटोमेटेड पेरोल जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कैसे आप प्रोसेस करोगे उसका नॉलेज उसे होना चाहिए, और अच्छे से CTC स्ट्रक्चरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब है, जो अगर ये सारी जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये सब अगर एक HR प्रोफेशनल्स जानते हैं, HR को बारीकी से टैक्सेस ऑनलाइन लेबर लॉ का नॉलेज और पूरी पेरोल प्रोसेस के बारे में अगर जानते हैं, तो फिर एम्प्लॉय का काफ़ी ट्रस्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉय रिटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जो कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज़ आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, जो कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे एज अ HR अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पेरोल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पेरोल एस्टेटी कंप्लायंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अज्यूम कर लीजिए, जो एक कोई बहुत अच्छी गाड़ी है और उस गाड़ी को आप अगर चलाना चाहते हो तो उसके लिए फ्यूल बहुत ज़रूरी है, अगर फ्यूल नहीं रहेगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगा। सिमिलरली एक कंपनी को रन करने के लिए अगर आप चाहते हो कंपनी काफ़ी आगे बढ़े, तो वहाँ पे एक HR प्रोफेशनल्स तो होना ज़रूरी है, और उस HR प्रोफेशनल्स को पेरोल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरोल एक कंपनी का हार्ट बीट होता है। जैसे बोलते हैं ना, हमारा हार्ट बीट जब तक चल रहा है, हम फंक्शनिंग कर रहे हैं, वैसे पेरोल जब तक सही से प्रोसेस होगा कंपनी फंक्शनिंग करेगी, अगर पेरोल प्रोसेस सही नहीं होगा कंपनी डेड हो जाएगी। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है
इस वीडियो के जरिए आपने पेरोल और सैलरी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझा, आपने पेरोल की इंपॉर्टेंस समझा, और आपने ये भी जाना जो एचआर को क्यों पेरोल की नॉलेज रखनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या उन्हें सीखने की ज़रूरत है, ये सारी बातें समझे। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर हम आपके सामने बराबर आते रहेंगे, लेकिन मैं एक ही चीज़ आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा, जो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फिर से, तो आप जरूर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। और आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस पर भी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से कोशिश करूँगा शेयर करने की। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।